जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जब हम यहाँ एक दूसरे से रूबरू हैं, एक नई सदी और एक नया युग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारी आज़ादी के 50 साल गुजर गए, जहाँ हमें इस पर फख्र है वहाँ थोड़ा सा अफसोस भी है। फख्र इसलिए क्योंकि दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी आज़ादी को बरकरार रखते हुए तरक्की की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन अफसोस इसलिए कि 50 साल के बाद भी हम गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं पा सके। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तारीखी जगह पर मेरे लिए दावत का इंतज़ाम किया है। यह वह शानदार किला है जिसकी गोद में शाहजहां ने जन्म लिया था, जहां अकबर ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल से भी ज़्यादा गुजारे थे। आपने जिस गर्मजोशी के साथ खैर मकदम और मेहमान नवाजी की है, उससे मुझे और मेरे डेलीगेशन को बहुत खुशी हुई है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने इस तवारीखी किले और शहर लाहौर की रवायात को पूरी तरह कायम रखा है। इस मौके पर 11वीं सदी के शायर मसूद बिन साद बिन सलमान के इस शेर की याद आ जाती है, शुद्दार गम लोहुर खानम यारब, यारब के दार आर जुए अनाम यारब। प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के किसी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा है, मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा देखा, उस वक्त मेरे दिल में मिले जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ, लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। भारत और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों के बीच 50 सालों तक आपसी मनमुटाव चलता रहे, ये शोभा नहीं देता। जब मैं आपके बीच विदेश मंत्री के नाते आया था, तब मैं अकेला था, मेरे साथ कुछ अफसर थे, लेकिन आज मेरे साथ हिंदुस्तान के सभी तबकों के जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे आए हैं। लाहौर और दिल्ली के बीच बस का चलना सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही को आसान बनाना नहीं है, दोनों देशों के बीच दौड़ती और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती ये बस दोनों मुल्कों के लोगों की इस चाह को प्रकट करती है कि हमारे संबंध सुधरें और हम मिलजुल कर रहें। अगर बस सिर्फ बस होती, अगर बस लोहे और इस्पात की बनी सिर्फ एक गाड़ी होती, तो दोनों मुल्कों में, और दोनों मुल्कों में ही क्यों, लगभग सारी दुनिया में इतनी हलचल और उम्मीदें पैदा नहीं करती। जनाब वज़ीर आज़म, हमारा यह फ़र्ज है कि हम अपने लोगों की उम्मीदों और इच्छाओं के अनुसार भरोसा और भाईचारा पैदा करें और दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत ढांचा खड़ा करें। हाल ही के कुछ महीनों में हमारी बातचीत में ऐसे मुद्दों पर ध्यान गया है जिनसे सीधा लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। दोनों मेल मुल्क इस मिलीजुली बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, ताकि ये तय हो सके कि इंसानियत से जुड़े हुए मुद्दों को जल्दी हल किया जाए। बिजली की खरीद जैसे आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए, आपसी यकीन पैदा करने के तरीकों पर बातचीत की जाए और उन पर आम राय बने, ये एक शुरुआती कदम है। मुझे यकीन है कि हमें जो कुछ भी मिलजुल कर काम करना चाहते हैं उस पर अमल करने के लिए
اپنے اپنے افسروں کو ہدایتیں دیں گے. ہم نے اپنے رشتوں کے ان پہلوؤں پر بھی بات چیت کی ہے اور آگے بھی کریں گے جن پر ہمیں ایک رائے نہیں ہو پا رہی. ان پر بات چیت ضروری بھی ہے چونکہ ہم مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسا کوئی سوال نہیں ہے جسے سیدھی بات چیت کے ذریعے سلجھایا نہ جا سکے. دراصل یہی ایک راستہ ہے. آج ہمارے آپسی رشتوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہنسا اور خون خرابے سے نکالا جا سکے. مشکل اور بقایا مسئلوں کا حل ایک صاف ستھرے ماحول میں اور ایک سنتلن نرمی اور سچائی کا راستہ اپنا کر کیا جا سکتا ہے. جو لوگ ہنسا کی وکالت کرتے ہیں، ہنسا کا راستہ اپناتے ہیں اور ہنسا کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان سے مجھے ایک ہی بات کہنی ہے، وہ امن اور سمجھ بوجھ کے راستے کی سچائی کو سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کے سلسلے میں سبھی بقایا مدعوں پر جن میں جموں کشمیر شامل ہے بات چیت کا سواگت کرتے ہیں. جیسے جیسے ہم ایک نئے یگ کی اور بڑھ رہے ہیں، بھوشیہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے، سچ مچ ہم سے مانگ کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچوں اور ان کے بچوں اور آنے والی نئی پیڑھیوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں. ہندوستان سے میں ایک ہی سندیشہ لایا ہوں، ہم ایک ایسا راستہ بنا کر جائیں جس سے بے اتواری دور ہو، ورودھ و آپسی متبھید مٹے تتھا پختہ امن چین قائم ہو، دوستی بھائی چارے تتھا کوآپریشن کا ماحول بنے. مجھے پوری امید ہے کہ ہم اکٹھی کوششوں کے ذریعے ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے. میں پردھان منتری مہودے تتھا بیگم صاحبہ کو تہہ دل سے بھارت آنے کی دعوت دیتا ہوں. بھارت میں آپ کے آنے کا انتظار ہے. آپ نے ہمارا جس گرم جوش استقبال کیا ہے، ہم بھی اسی طرح اس سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کا سواگت کریں گے. میں آپ کی خوشحالی اور ترقی، بھارت اور پاکستان کے بیچ امن چین تتھا سہیوگ کی کامنا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.